फिर वो मेरे पास जब पहली बार कोई कैंसर का पेशेंट आया था, तो उसमें मैंने खास तौर पे जब इसको देखा ध्यान से, तो मुझे क्या पता चला कि जो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो कैंसर का बैकबोन है, रिजॉल्व करने में भी और रिवाइव करने के, मतलब करप्ट करने में भी। तो जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, और हर जगह एक उस, मतलब क्या होता है, जो डेड सेल होता है उसको जो वाटर बॉडी जो है वो बाहर निकालती है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो ये वाली इंटेलिजेंस जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। जैसे ही इंटेलिजेंस इम्पैक्ट होती है, वो डेड सेल जो है वो लिविंग सेल के साथ में चिपक जाता है। अब वो लिविंग तो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वो एक डेड सेल जुड़ गया और वहां पर एक वो नोड बन गई। अब वो नोड जो एक सेल के लिए तो मूवमेंट की जगह है, जितनी बड़ी नोड हो गई वो उतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो जब हम किसी भी कैंसर पेशेंट का हीलिंग करें तो पहली चीज हमें ये बोलनी चाहिए कि जितने भी डेड सेल लिविंग सेल से चिपक गए हैं वो अलग हो जाएं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक हो जाए। और ये जितने भी डेड सेल हैं ये बॉडी से बाहर निकल जाए। खास तौर पे ये वाली कमांड बहुत जरूरी है कि जितने भी डेड सेल हैं वो डेड सेल जो है वो लिविंग सेल से अलग होके शरीर से बाहर निकल जाए। ये जितने भी नोड्यूल्स बनते हैं ये इस वजह से बनते हैं। तो अब वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो जो डोमेन में, अच्छा, जिस बॉडी पार्ट का कैंसर हुआ, जिस जगह वो व्यक्ति रहता है उस पॉइंट पर वास्तु दोष होता है। किसी को ब्रेन कैंसर हो गया तो इसका मतलब उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है। किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में या कहीं पे कैंसर हो गया तो उसका जो है मूलाधार चक्र डिस्टर्ब। तो घर के सभी लोगों को होना चाहिए ना। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तीन एस्पेक्ट होते हैं, अभी हम इसमें भी, क्योंकि पीपीटी में आगे हम कवर करेंगे, आपके चक्रास, आपके नवग्रह और आपकी प्लेनेटरी पोजिशन, आपका, आपके नवग्रह, आपके चक्रास, आपका वास्तु। तो ये 9 बाई 9 बाई 9 ऐसे करके जो है ये 729 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये 729 कॉम्बिनेशन जो हैं ये प्राइमरली डिसाइड करते हैं कि आप जो है वो कितना डैमेज लेंगे। हर व्यक्ति का ये तीनों सेम नहीं हो सकता। वास्तु सेम हो सकता है एक घर में रहते हुए, डजेंट मैटर, लेकिन उसकी प्लैनेटरी पोजीशन सेम नहीं हो सकती और उसके चक्रास की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। अब इन तीनों के बाद में व्यक्ति का जो है वो कार्मिक साइकिल आता है। इन तीनों के बाद में उसका कार्मिक साइकिल आता है। तो मैंने ये देखा कि हम लोग जैसे बायो स्ट्रक्चर होता क्या, हम किसी एक के पास जाते हैं और लिमिटेड कोई ना कोई सॉल्यूशन करते हैं, बट प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड डोमेन का बताता है, जो वास्तु वाला है वो सिर्फ वास्तु की डोमेन का बताता है, और जो चक्रा या हीलर जो है वो सिर्फ इसी डोमेन का बताता है। जब वो तीनों डोमेन को हम मर्ज करते हैं, इसलिए मैंने जब उस दिन वो डिटेल में जब नोट्स कर लिखवा रहा था तो मैंने यही बोला कि मैंने कहा ये डायरेक्शन, ये प्लेनेट, ये चक्रा, ये कलर, नमस्कार ऐसे सर। करके। नमस्कार जी, कहाँ पर है देवता आज? सर दिल्ली में 3 दिन जमेंगे अभी। अच्छा, दिल्ली है। अभी दिल्ली है जी, फिर उसके बाद जाना है
अच्छा वो तो मैं तो आपको तभी बोल रहा था कि मैं तो बस एक एक दो महीने जो आपकी क्लास रेगुलर है फिर उसमें रहेगा, वरना फिर अगर एक टाइम सेट हो गया तो मैं अपनी फ्लाइट का शेड्यूल और वो सारी चीजें मैनेज कर लूंगा, नहीं, लेकिन रहूंगा तो एक ऐसा ना, हमारे यहाँ रमेश जी जो हैं वो सुबह 4 बजे उठ के क्लास करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि टाइम के हिसाब से, तो मैं समझ ही नहीं पाया साढ़े था। साढ़े 3 बजे। हाँ, तो 3:30 बजे जो है, आज से मेरी एक जर्मनी की क्लास और शुरू हो रही है, तो वो जो है वो मैंने कहा भी 7 से 9 की मेरी क्लास है, तो 9:30 से 10:30 कर सकता हूँ मैं। तो बोले अच्छा नहीं, ठीक है। ये टाइम तो मुझे सूट कर गया है सर, और बधाई हो रमेश जी, अगर आप 3:30 बजे उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 4-5 चक्कर तो अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेलाटोनिन भगवत जो है इतना ज्यादा ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है कि वो वासोडाइलेशन रखेगा ही आपका पूरा फर्स्ट क्लास। धन्यवाद सर, सब और ये तो भगवत हम, मैं कृपा। तो पिछले 25 साल से कभी कभी शेड्यूल ब्रेक हो जाता है कि 1 बजे पहुंचा तो फिर सो गया, तो फिर या कोई मूवी देखने गया सो गया, तो फिर अदरवाइज तो नहीं ब्रेक होता कभी भी। माई वाइफ ऑलवेज गेट्स अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग। उसका उनका रूटीन है पिछले 20 साल 25 साल से। हमारी शादी 30 साल में, 30 साल में देखता हूँ 3:30 बजे उठ जाएगी। कम रेन कम सनशाइन, वो 3:30 बजे उठनी है उसको। 9 बजे के बाद वो जागेगी नहीं, बहुत रेयरली जागेगी। हाँ, लेकिन तीन 4 घंटे बजे अगर व्यक्ति उठ रहा कॉन्सेंट्रेशन है तो 9 बजे तो सो ही जाएगा। 9 बजे के बाद कोई। हम लोग एक बार एक नाइट मूवी गए थे, तो मूवी में जाके सो गई थी। मुझे बोली क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरी बेटी बोलती है आई क्यों माँ तुम हमारे साथ मूवी देखने के लिए। तो मेरे को 9 बजे के बाद उठाएगी, बोले कि लेके आएगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो सोऊंगी। ठीक लेकिन लेकिन जितने भी नॉक्टर्नल प्राणी होते हैं ना वो सब हाईली अवेयर होते हैं, उनकी सेंसेस पे कमांड होती है, चाहे वो आपकी नेचर में इंसेक्ट देखें या आप उसमें रेप्टाइल देखें। हम लोग जब गांव में पढ़ रहे थे, तो हम लोग को तो सवेरे 3:30 बजे उठा के पढ़ने के लिए बोलते थे। बोले ये टाइम द बेस्ट टाइम टू स्टडी, दिमाग में सब बैठेगा। ऐसे ही हमारे स्टडी के हमारे दादाजी, हम लोग वो तो ऋग्वेदिक पंडित थे, ऋग्वेद के तो प्रीस्ट थे, तो उनका जल्दी उठना हो जाता तो हमें भी उठा देते थे। और सुबह 3 बजे का आपको टाइम सबके लिए फर्क फर्क चीजों के लिए होता है। फॉर 8 बजे मैरिड पीपल इट इज फॉर मेकिंग फिजिकल रिलेशन, उसके लिए वो वाला टाइम होता है, वो रात का नहीं होता किसी में। फॉर स्टूडेंट्स इट इज टू दी ये अपना स्टडीज, फॉर स्टडीज साधुओं के लिए होता है क्योंकि उनको जो है ध्यान करना ब्रह्म होता मुहूर्त, है, तो वो तो ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त घट। मुहूर्त में वो उसके तौर पे, तो लेकिन हर आप जगह हर हर एक एक के लिए वो एक जैसा वो नहीं होता है, बट ये है कि सुबह जितने भी लोग सुबह जल्दी उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे वो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन लाइफ और क्वाइट हेल्दी, सक्सेस विद हेल्थ जो है वो उनका एक पैरामीटर रहता है। फिल्म स्टार भी है ना वो अक्षय कुमार, वो भी सुबह 3 बजे उठता है ना, वो 9 बजे सो जाता है, तो उसने अपना पूरा साइकिल इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि उसका स्टारडम जो है वो उसको लेट एज में मिला, तो उसने वो लेट एज में अपने आप को एक्टिव रखा। तो मेरे गुरुजी ये कहते थे कि बोले बेटा देखो ऐसा है, 60 मतलब ऑलमोस्ट 1920 का उनका जन्म था, तो 20 के बाद 47 तक जो है वो कितने साल, 9 या 10 साल की उम्र में तो वो साधु बन गए थे। तो ही इज फ्रॉम अ वेरी रिच एंड एफ्लुएंट फैमिली, बट वो बन गए। उसके बाद साधु बनने के बाद फिर वो साधु के साथ जो है वो फ्रीडम फाइटर बन गए। फ्रीडम फाइटर बनने के बाद जो है जब वो नेहरू 47 में जब वो हो गया देश का विभाजन भी और आजादी भी, तो उस टाइम पर किसी जगह उनका वो नेहरू से कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो पब्लिकली उन्होंने गाली वाली दे दी,
उनके पीछे सीआईडी वगैरह लग गई थी, तो वो गिलगित वजारत में जाके, जो पीओके वाला जो एरिया है, वहां जाके छिप गए। और वहां उन दिनों वो दिगंबर रहना शुरू कर दिया, तो वो 11 साल दिगंबर रहे। फिर उसके बाद जो है, फिर वो अपना ये, तब तक वो जो है ये नहीं थे, क्या कहते हैं, वैष्णव नहीं थे। उसके बाद वो वैष्णव बने। तो वो वैष्णव बनने के बाद में फिर बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, जितने भी हम चीजें देखते समझते हैं। तो उनका कहना ये था कि हर जगह एक वेश और प्रक्रिया है। मैंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा इसलिए ली क्योंकि उनको, जो जिसको वो गुरु मानते थे, उन्होंने जो है ये बोला कि ये जो पूरा पार्ट है साधु बनने का, उसमें सन्यासी मत बनना, तुम वैष्णव बनना, क्योंकि सन्यासी में अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर वो वैष्णव बने, तो वैष्णव में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ली। तो मैंने कहा जी निम्बार्क से क्यों ली, तो बोले मैं अपना, जब साधु मुझे बनना था, वैष्णव बनना था, तो मैंने क्या करा, मैं बनारस में गया और वहां पर एक पुस्तकालय कमरा लिया और एक पुस्तकालय में अटैच हो गया, और मैंने सारे धर्म दर्शन पढ़े। तो जो निम्बार्क संप्रदाय जो था, उसमें जो दर्शन था वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वो कहता था बीज ही वृक्ष है, वृक्ष ही बीज है। तो बोले जब उन्होंने ये वाला पॉइंट रखा, तो मैं सोचने लगा कि, मैंने कहा देखो इनका जो वो है अप्रोच जो है, वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, कुछ द्वैताद्वैत या पता नहीं कुछ इस टाइप का उनका एक नॉमेनक्लेचर होता है जिसको वो हाईलाइट करते हैं। तो जब मैंने वो वाला पार्ट पढ़ा उनका कि भाई ये जो है ये बीज ही वृक्ष है, वृक्ष ही बीज है, तो बोले कि देन इट मेड मी रियलाइज कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो सबके साथ एडजस्ट हो जाएगी, इनका पर इनका दर्शन बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके तो वो साधु, मतलब उनके कोई स्टेप ऐसा नहीं था जो उन्होंने बिना सोचे समझे कराओ। 99.9% लोग, क्या होता है कि वो जिसके पास गए उसके पास जाकर जो है वो, जहां भी जा रहे हैं वहीं पर ही वो दीक्षा और वो सब कुछ हो जाता है। दीक्षा का एक दफे भी कोई बात चल रही थी कि वो, मैं भी, मुझे भी बहुत सारे लोग गुरुजी जब कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, मैं को पैसेंजर का टाइटल रखना तो पसंद करूंगा, गुरुजी बनने का टाइटल नहीं। क्यों, मेरे गुरुजी कहते थे भाई देखो ऐसा है, जब एक बार मेरे को बड़ा मूड आया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं वो भीष्म पितामह का जो है वो पार्ट पढ़ रहा था, एपिलॉग, जिसमें कि उन्होंने और कृष्ण ने जब उनको तीर कमान तीर से भेद दिया था शरीर को, तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि मुझे इतना कष्ट क्यों मिला, मैंने अपने पिछले 100 जन्म देखे, मैंने कोई पाप नहीं करा। तो कृष्ण ने कहा थोड़ा और पीछे जाइए, तो बोले शायद 120 या 124वें उसमें उन्होंने एक सांप को जो है उसमें फेंक दिया था जहां पर कांटे कांटे बहुत थे, तो वो सांप के शरीर में कांटे घुस गए और वो एकदम से उसके प्राण नहीं निकले, तो धीरे धीरे वो उसकी तड़प तड़प कर डेथ हुई। तो तब उन्होंने बोला कि भाई इतने सारे, तो गुरुजी ने को भी पता नहीं इच्छा जाग गई, उन्होंने भी अपने 100 125 जन्म देख डाले। तब उन्होंने बोला कि वो एक जगह कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखी कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को इतना तप तपस्या करने के बाद भी वो जो मोक्ष वाला पार्ट है वो क्यों नहीं हुआ। ही सेड जिसको भी मैं दीक्षा देता था, जिससे भी मैंने पूर्व जन्म में शादी करी, वो जब सेल्वेशन का टाइम आया तो वो सारे जो है उनका सेल्वेशन नहीं हुआ, इसलिए मेरा भी नहीं हुआ। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि, बोले कि आपको जब सेल्वेशन होता है, सेल्वेशन आपके साथ आपके स्पाउस का भी होता है। अब वो डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो, नहीं करोगे तो तब तक उतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो मैंने पूछा जी अभी क्या स्थिति है, बोले अभी कम से कम 4 जन्म तो और लेने ही पड़ेंगे।
तो हमारे यहाँ हम किसी भी चीज को बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है। दीक्षा देनी है, अच्छा चलो भाई आ जाओ, पूरा मोहल्ला दीक्षा दे देते हैं। शादी करने के हिसाब से हमारे यहाँ हर चीज में कोई ना कोई कमांड ऐसी है जो सोशल स्ट्रक्चर को होल्ड करती है। वी आर दी ओनली रिलीजन जो कि 7 जन्मों के हिसाब से शादी की बात करता है। अब अगर कोई 7 जन्मों के हिसाब से है तो उसका इम्पैक्ट कितने जन्मों तक रहेगा, और अगर आपने जो है कोई मल्टीपल चेंजेस कर लिए तो मल्टीपल चेंजेस की वजह से आप अटक गए। तो सेल्वेशन इज समथिंग विच हैज टू डू विथ प्योरिटी ऑफ लाइफ, बट वो सब एक ऐसे चक्र में अटकते हैं कि वो एकदम से छूटते नहीं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बहुत सारे पात्र अभी भी हैं, दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर दी सेल्वेशन। अब उन्हें लगा कि हाँ भाई ये चीज ऐसे नहीं रिजोल्व होगी तो कुछ और करेंगे। एंड सेल्वेशन इज समथिंग जो सबने अलग अलग तरह से करा। राम ने अपने जाने के समय जितने भी लोग थे उन सबके हाथ पकड़े और एकदम सरयू नदी में अंदर चले गए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर सेल्वेशन था तो उन्होंने कहा भाई हर एक व्यक्ति जो भी चाहता है वो मेरे साथ चलना, तो चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण ने वही चीज युद्ध के माध्यम से करी कि वो एक युद्ध की कैटेगरी में गए और उसके बाद उन्होंने सबका वो सेल्वेशन उसी हिसाब से कर दिया। परशुराम जी ने भी युद्ध के मार्ग के हिसाब से बहुत। तो हर अवतार ने कोई ना कोई एक बड़ा यूनिक सा प्रोसेस फॉलो करा जिसमें कि सबको सेल्वेशन मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये पूरी प्रक्रिया जो है एक अलग तरीके की प्रक्रिया है और लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानते नहीं है, और क्योंकि नहीं जानते तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो पहली बार कुछ हुआ था तो शुक्ला जी का कोई पोस्टर वगैरह आया था तो मैंने लिख दिया कि जी साधु समाज में ऐसे काम भी कहाँ होते हैं, क्योंकि तो पता नहीं चलता कि ये गृहस्थ हैं कि साधु हैं। अब दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, फोटो में तो साधु ही दिखते हैं हर तरह से, तो मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा जी ऐसे थोड़ी होता है, इस तरह से थोड़ी, क्योंकि मेरे बेंचमार्क ही डिफरेंट है। मैंने एक ही साधु को देखा है अपनी लाइफ में, ये तो है नहीं कि 100 200 500 देखे हो, बट वो 3 बजे का नियम और तमाम चीजें उनको मैंने करते हुए देखा। तो मुझे लगता था सभी साधु ऐसे ही होते होंगे, साधुओं को ऐसे ही करता है। बाकी साधु जो है वो अलग अलग तरीके के थे, उनकी कहानियां भी अलग अलग तरीके की थी। सबसे मजेदार मैंने मेरे लाइफ में क्या होता है, एक हमारी आंटी है तो वो आसाराम बापू को मानती थी बहुत ज्यादा, तो दिल असल से बहुत कमिटेड उसके तौर पे। तो एक बार क्या हुआ कि वो घर में नहा रहे थे, घर में कोई नहीं था एंड शी इज अ लिटिल वो हैवी इन वेट एंड ऑल। उन्होंने क्या करा, बाथरूम के बाहर वो एक रस्सी लगी हुई थी, रस्सी पर उन्होंने अपनी साड़ी रखी और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जैसे ही बाहर आई इमिडिएटली पैर स्लिप हुआ एंड शी वॉज 80 और 90 kgs, वो गिर गई। अब वो गिर गई तो उनसे उठाना जाए ये नहीं समझ में आया कि आप किसी को बुलाएं तो कैसे बुलाएं, घर पूरा बंद करके अकेले ही नहा रहे थे। तो अगर कोई चीखे चिल्लाए या कुछ हो तो लोग आएंगे, तो मैंने कपड़े ही नहीं पहन रखे, वो बड़ी परेशान। फिर वो जरा सा लेटी हुई थी जमीन में, हिलने डुलने में लग रहा था कि कोई बड़ी समस्या हो गई है, बैकबोन में कोई चोट वोट आ गई है, क्या हुआ है। तो उन्होंने जो है वो उस टाइम पर आसाराम बापू का ध्यान करा कि भाई अब आप ही मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ फंस गए। तो वो जो साड़ी जो थी वो ऊपर से नीचे गिर गई अपने आप बिना किसी उसके। जब गिर गई तो अपने हाथ से उन्होंने अपना शरीर पूरा साड़ी से लपेट लिया, और उसके बाद जो है वो सब चीखी चिल्लाई तो बराबर वाले जो है वो बालकनी से और कहीं से भी वो आ गए अंदर। जब अंदर आए तो उनको फर्स्ट एड वगैरह जो भी मिलना था वो मिल गया, सारी व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने ये बोला कि भाई बाबा ने मेरी रक्षा करी। जब आसाराम बापू का उसके 7 या 10 साल बाद जब ये उसका जेल जाने का रुआ हुआ, शी वॉज इन सच अ डीप शॉक। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ये पूरे सिस्टम में जितना भी साधु समाज कहा जाता है सो कॉल्ड,
इसकी जो लोग फंडिंग करते हैं वही लोग उस साधु समाज का नाम बनाते और बिगाड़ते हैं, सो दैट कि लोगों का विश्वास जो है वो साधु समाज से उड़ जाए। ये मेरी अपनी देखी हुई, और मैं कितने सौयों लोगों को जानता हूं जिन्होंने आसाराम बापू से दीक्षा लेने के बाद, भले ही वो उससे मिले नहीं मिले आई डोंट नो, उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और फॉर डेकेड्स टुगेदर। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट हर जगह हिंदुस्तान में ये जो साधु का स्कैम होता है, 99% तो वो साधु होता ही नहीं है, 99%, क्योंकि जितने जगह मैं देख रहा हूँ वो जाए 90% तो वो लोग गृहस्थी होते हैं, साधु का वेश होता है, और फिर वो सारा का सारा वैसे का वैसे ही है, हाई ऑर्डर मार्केटिंग और बहुत सारा पैसा, और सडनली जिस जिस से पैसा लिया होता है एक दिन वो अपना पैसा वापस लेता है, नहीं देता कन्फ्लिक्ट में, और बड़ा आसान है आजकल तो किसी को भी कोई लड़की भेज दी कुछ कर दिया वो पूरे केस में कैसे भी डाल सकते हैं, सभी के साथ ऐसे ही होता है, चाहे वो साउथ में वो नित्यानंद का हुआ था उसकी तो पूरी वीडियो ही और वो आ गई थी। तो ये बड़े अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि कौन व्यक्ति गृहस्थ है कौन नहीं है और उसकी प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमारा लेकिन जो सर चॉइसिस का सिस्टम जो है वो बहुत टिपिकल है, हमारे पूरे सिस्टम में परीक्षा करना नहीं सिखाते कि ये व्यक्ति साधु है या नहीं है, उसको बिना परीक्षा करे हम जो है वो ये करते हैं क्या कहते हैं उससे दीक्षा ले लेते हैं, एंड ऑब्वियसली हर चीज के अपने एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो वो वाला पार्ट है। जी शुक्ला जी आप कुछ कह रहे हैं? लेकिन सर हमारी यात्रा तो ऐसे शुरू हुई थी कि हमारे जो दादाजी थे निजराम शुक्ला, तो वो एक सिंगल ट्रक से ट्रीटमेंट कर देते थे, सिंगल ट्रक से। पिताजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, लेकिन वो बहुत सारा तामझाम लेके आए, रस ये बस में बहुत सारी चीजें सीख के आए और उनकी प्रैक्टिस करने लगे। दादाजी एक सिंगल ट्रक से ट्रीटमेंट करते थे। तो क्या होता है कि जब आदमी परिवार में रहता है, तो दादाजी कहानी सुना रहे थे कि भाई महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन। तो हमने तो सुना था कि भाई सबसे बड़े योद्धा जो थे वो अर्जुन थे। सबको उन्होंने मार भगाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई कभी लगता था कि कृष्ण के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ तो वही थे, कलाकार। तो फिर वो बताते थे कि वो एक एक पात्र का जिक्र करते थे कि वो एक सिंगल तीर से जब वो युद्ध लड़ने जा रहे थे कौरवों की तरफ से, कि जो मारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, शायद उग्रवाह। तो उन्होंने एक तीर बर्बरीक का बर्बरीक बर्बरी एक तीर का बर्बरीक आह्वान किया और वो सारे प्लांट के सारे पत्तों को बेध के कृष्ण ने जो एक पैर दबा रखा था वहां रुक गया। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ बनना है तो तुम्हें तीरंदाज ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक सिंगल तीर चलाना है, एक सिंगल। तो ये सारी यात्रा उस तरफ है, वो कैसे होगा? तो कहने लगे वो तो बस सुबह जगो और अपना ध्यान करो, सुबह जगो ध्यान करो, सुबह जगो ध्यान करो। तो बस वो जो है वो ध्यान 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 में यहाँ तक 25 साल हो गए, यहाँ तक आ गए। और सारी कड़ियां अगर देखें तो एक फेरी टेल की तरह झुकती है। तो अभी तो एक नहीं, वो ऐसी चीज देखिए हो, ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि जब तक आदमी को, मतलब इसको एक विलक्षण तौर पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपको वो ही चीज पकड़नी है जो आपके दादाजी के पास में थी, तो उसका एक साधारण सा तरीका है, आप कारण के भी कारण को एड्रेस करना शुरू कर दो। जब आप कारण के भी कारण को एड्रेस करोगे तो आप एक ही तीर चलाओगे और वो उसी जगह लगेगा, बाकी सीक्वेंस तो अपने आप होगी। हम जो अभी आयुर्वेद में आगे जो पोर्शन आएगा, मतलब स्लाइड्स पीपीटी में, तो हम उसमें ये पंच निदान की प्रक्रिया में इसी बात पे जाते हैं कि जो पॉजिटिव फैक्टर का भी पॉजिटिव फैक्टर है, आपको सबसे पहले उसको टच करना चाहिए, जब आप उसको टच करोगे तो वो सीक्वेंस। तो जो आपके दादाजी का अप्रोच जो थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, वो कारण के भी कारण पे चलते थे, और जिस समय आपके दादाजी चिकित्सा करते होंगे उस टाइम की ये होम्योपैथी है, होम्योपैथी में एक ही दवाई दी जाती थी। सो वर्ल्ड ओवर एक ऐसा चिंतन था कि एलोपैथी के मुकाबले कोई एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसको कि केवल एक एस्पेक्ट को टच करते ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो अगर आप होम्योपैथी पढ़ेंगे तो भी यही वाला पॉइंट आएगा। लेकिन जब मेरी आपसे बात हो रही थी शायद पहली या दूसरा बात थी, तो आपने कहा कि श्रीम लिखो और यही करो, तो वो वही उनकी जो मेरे माइंड में का जो सेटअप है
वही था कि मैंने उसे तुरंत लिखना शुरू कर दिया, 70-75 बार 3-3 हजार लिख के आपको बोला कि भाई देखो मैंने यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम, अभी कुछ और आ मैं गया ऐसा था ना क्योंकि शुक्ला जी, रोज। मैं तो पिछले 5 साल से स्ट्रीम लिखवा रहा हूँ, आप पहले व्यक्ति हो मेरे उसमें, पिछले 5 साल के हिसाब से बोलूँ ना तो 100-150 लोग तो मैं कम से कम इस प्रोग्राम में ट्रेन कर ही चुका, बट आप पहले व्यक्ति हो जिसने स्ट्रीम एक अलग तरह से लिखा और उसके उसके भी 1.25 लाख आपने कर लिए, आप पहले व्यक्ति हो। तो ये एक बड़ा विलक्षण सा कारण है कि मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि जिस व्यक्ति को मैंने सबसे पहले कोई कोर्स या प्रोग्राम कराया था उससे लेकर और आज तक, वो हर बार धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होता जा रहा है और डेवलप और डेवलप और डेवलप। तो मतलब कि जो लोग मेरे पास कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे भी नेक्स्ट इवॉल्व लेवल के हिसाब से ही है। तो मैंने एक दिन सिर्फ एक ही कमांड डाली थी और मैंने उसमें सिर्फ ये बोला था कि जिस किसी व्यक्ति को अपनी प्रक्रिया में कोई प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो वो मुझसे कनेक्ट हो, मुझे मासेज या पूरी प्रक्रिया में जाना नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में मासेज को एड्रेस कर रहा है, तो अगर वो व्यक्ति जो कि उसको अपनी प्रक्रिया में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे, तो मेरी रिसर्च का फायदा ही तब है कि जब मैं वो प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं, अदरवाइज क्या फायदा होगा किसी भी चीज में। प्रश्न एक एकमात्र ऐसी चीज है जो एक कड़ी के तौर पर है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं गुरु शिष्य परंपरा को बोलूं, तो आप ऐसे मानकर चलो कि एक ज्ञान है जो दो जने मिलकर इंटरचेंज करते हैं हाथों में। मतलब गुरुजी ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी एक्वायर करा वो दीक्षा देते वक्त वो अपने शिष्य को देते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद गुरुजी चले जाते हैं, शिष्य गुरु बन जाता है और थोड़े दिनों बाद वही जो गुरु होता है वो शिष्य के पास में वापस आता है और जो कुछ भी बेस उसने दिया होता है वो वापस लेके फिर वो अपने जर्नी आगे करता है। तो ज्ञान गुरु शिष्य ये तीनों तीन ना होकर एक है। तो जब भी आप, तो इसलिए बड़ा आसान है, आप किसी सिचुएशन में भी अगर आपका बेंचमार्क आपके दादाजी हैं तो रोज जो है वो श्रीम लिखते वक्त जो है आप, या फिर उनके दादाजी का, अपने दादाजी का एक फोटो ले लो और उनके फोटो के ऊपर श्रीम लिखना शुरू कर दो, तो थोड़े दिनों और मन में इच्छा डालो कि जो वैज्ञानिक तत्व उनके भीतर था वो आपके भीतर जागृत हो जाए, तो जो कुछ आपको आता है वो तो आ ही जाएगा, जो उनके पास था वो भी आ जाएगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो एनवायरमेंट में रहता है, आप कभी भी किसी भी जगह से उसको खींच सकते हो, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, और कुछ नहीं है। जो आपके गोत्र के ऋषि हैं उनका नाम ध्यान करो कि वही जो दादाजी के पास था वो मेरे पास भी आ जाए, तो वो गोत्र का ऋषि जो है वो अलग काम कर देगा। तो प्रक्रियाओं में तो बहुत सारे तरीके हैं। मेरे घर में मेरे गुरुजी आते थे, मैं बचपन से देखता था, तो मतलब हमारे घर में उत्सव जैसी स्थिति हो जाती थी। तो जब गुरुजी आए तो शहर मोहल्ले जितने भी लोग जितने रिश्तेदार सब हमारे घर में आ जाते थे। खैर भाई ग्रेस ऑफ गॉड हमारा घर भी बड़ा था तो जितने भी लोग आते थे किसी को दिक्कत नहीं होती थी, और हमारे यहाँ सब शाकाहारी थे तो इसलिए गुरुजी को हमारे यहाँ आने में खाने पीने में कभी कोई दिक्कत नहीं लगती थी। तो क्या हुआ, एक दिन गुरुजी बोले कि भाई ये जितनी भी जमात इकट्ठी होती है ये जमात जो है क्यों इकट्ठी होती है। मैंने, गुरुजी मुझे तो आइडिया नहीं। बोले मैं इन सबके सवालों का जवाब देता हूँ। बोले इनके घर में इनके माँ बाप इनके दादा दादी जिन सवालों का जवाब नहीं देते और वो सवाल किसी भी फील्ड के हो, किसी भी फील्ड के उनका सुख दुख से रिलेटेड हो, तो मैं उनका कोई उपाय बता देता हूँ कि अच्छा चलो ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा। उनके पारिवारिक कोई कलह मच रही हो तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार मैं उनको उनकी समस्या का सॉल्यूशन बताता हूँ और उस समस्या को सुनता भी हूँ। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चीज को सुनना और दूसरा सुनकर समझकर उसका ऐसा समाधान बताना जिससे जो है वो सब लोग अपनी लाइफ में हैप्पीली प्रॉस्पर करें। अब ये पॉइंट जो जब उन्होंने बताया ये पॉइंट मेरे अटक गया, मैं कहूँ
सारे जने तो क्या कहें कि भाई हमें तो गुरुजी के जैसा बनना है, और मैं कहूं ये जो गुरुजी की शक्ति है ये मेरे पास आनी चाहिए ताकि जो है मैं कुछ करूं। तो जब तक वो रहे तब तक तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब 2019 में वो गए हैं तो तब से लेकर अब तक मैं देखता हूं कि वो वाला एट्रीब्यूट सबसे तेजी से मेरे पास आया, सबसे तेजी से। तो इसलिए कोई भी चीज एक्वायर करना या कोई भी टेक्स्ट जो मिसिंग हो उसको खड़ा करना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सिर्फ उस टेक्स्ट से जुड़ने का तरीका पता होना चाहिए। वो तो मेरी अभी फंडिंग वगैरह का नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज जितना भी मैं ये वेद पुराण उपनिषद को कन्वर्ट करके जिस तरीके की प्रक्रिया को बोल रहा हूं, इस देश का कोई अगर 5 मिनट भी इंग्लिश का मटेरियल पढ़े तो सब कुछ बेकार है। मैं बहुत ही ये कर रहा हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल एआई बना दो, स्पिरिचुअल एआई में आपको जो है ये सारी की सारी चीजें जितना भी कंटेंट चल रहा है वो एडिटेबल फॉर्मेट में मिल जाए। अभी आज आपको चीजों को ढूंढना पड़ता है, इंग्लिश में आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप किसी भी रिसर्च का कोई भी एनाटॉमी का कुछ भी नाम डालोगे तो वो तुरंत जो है वो आपके सामने आ जाएगा। भाई वो चीज संस्कृत में और हिंदी के टेक्स्ट में नहीं है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोले तो किसी भी भाषा में वो वाली चीज है ही नहीं, जबकि एटलीस्ट इंडियन भाषाओं का तो एक स्पिरिचुअल एआई बनना ही चाहिए। भाई एक रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, एक वाल्मीकि रामायण लिखी, ऐसे ही साउथ में और बहुत सारी जगह लोगों ने लिखी, तो वो सारी जहां जो जो लिखी हुई है वो एक यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल तो होनी चाहिए। बट हमारे देश में कोई भी हमारे देश से रिलेटेड प्रक्रिया पे ना तो बात कर रहा है ना वो प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। इसलिए आपको भी ध्यान हो, तो जब मैं आपको बोलता था कि भाई आप ये जो भी इंग्लिश वाली कहानी सुना रहे हैं काम वो नहीं आएगी, वो प्रभाव बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप मूल कहानी को आयुर्वेद और इसके एस्पेक्ट से देखेंगे तब आप उस कहानी को रिजॉल्व कर पाएंगे, कोर उसी के अंदर है। एलोपैथी तो डिजीज मैनेजमेंट है, तो डिजीज मैनेजमेंट से क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपकी जो डिजीज है वो एज इट इज रहेगी, आपके पैरामीटर्स एज इट इज रहेंगे। हमें क्योर की तरफ जाना है, अगर क्योर की तरफ जाना है तो वो डिजीज को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उस प्रक्रिया को जगाना है, तो वो प्रक्रिया जगाने के लिए आपको डिजीज के रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। चलिए आज वही वाला पार्ट को थोड़ा करते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, यहां से हम यहां तक हमने कर लिया था, यहां पर छोड़ा था कि मैंने ये बोला था कि जो ये थ्योरी जो है बहुत हेवी हो जाएगी, तो इसको आपको पढ़ना और उसके हिसाब से पढ़ेगा, तो वो पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर मैं मोटा मोटा आपको ये चीज बोल देता हूँ, हम जब सांस लेते हैं हमारे मेडिटेशन में पूरी प्रक्रिया में हम सांस लेने की प्रक्रिया को हाईलाइट करते हैं, श्वास लेते हैं नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, तो वो श्वास जो है वो प्राणों को उत्पन्न करती है। जब ये श्वास प्राण उत्पन्न नहीं करती यानी कि अधूरी होती है तो श्वास जो है वो वात रोगों में परिवर्तित हो जाती है। अब जो भी ये चाइनीज थ्योरी और बाकी सब है कि ये तत्व मिल गया वो सब तत्व मिल गए, मैं तो उनमें से किसी से सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट श्वास की प्रक्रिया वात रोगों को उत्पन्न करती है, ये पहला स्टेप हो गया। अब श्वास इनकम्प्लीट क्यों है, चलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को कंडीशन कर लेते हो कि यू डोंट नो हाउ टू ब्रीथ बेसिकली, बिकॉज यू डूइंग रॉन्ग ब्रीथ। आधा जन तो पेट अंदर लेके जाते हैं जब सांस लेते हैं, नहीं सर,
आंसर। हम शैलो ब्रीदिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अटेंशन हमारी डिजायर्स में होती है। कोर गेम अटेंशन का होता है। अटेंशन किसी भी रीजन से जब डेविएट होती है तो वो ब्रीदिंग जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट करी। पहला पार्ट मैंने बोला डिजीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रामचरितमानस से मैंने लास्ट सेशन हम कर चुके हैं ना, रामचरितमानस से काम क्रोध लोभ वाली, वो तो हमारा डिस्कशन हो ही चुका। तो काम काम से वात रोग होते हैं। वात रोग का कोर क्या है? थॉट, कामना। कामना का मतलब डिजायर। तो मैंने यहाँ पर डिजायर लिख दिया। अब जब ये मेरी अटेंशन मेरी डिजायर्स में अटकी हुई है तो मेरा ध्यान मेरी डीप ब्रीदिंग पर जाएगा ही नहीं। अब शरीर में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तुरीय प्रक्रिया होती है कि जब आप अपनी बॉडी को स्लीप मोड में छोड़ देते हैं तब वो चल के करेक्शन करती है आपके अंदर, और एक कॉन्शियस लेवल होता है जिसमें कि बाकी तीन संध्या होती हैं, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो जो रात वाली संध्या है उसमें बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को अच्छा करेक्ट करती है और बाकी सारी जो प्रक्रिया है उसके तौर पे। तो हमारा शरीर जो है वो इनकम्प्लीट ब्रीदिंग जो करता है वो बिकॉज ऑफ डिजायर्स करता है। हमारा दिमाग किसी ना किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व रहता है जो कि डिजायर पर। अगर मैं इस डिजायर को पर्पस बना दूं तो मेरे को वात रोग नहीं होंगे। और मेरे शरीर में वात जो है वो प्राण में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राण में कन्वर्ट होते ही मेरे शरीर की इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। इम्यूनिटी इंक्रीज होते ही मेरे थॉट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि मैं पर्पस सेंट्रिक डोमेन में जाऊंगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी तो एक पॉइंट से एक एस्पेक्ट है। अब आप जितने भी जगह देखेंगे इसमें ये तत्व मिल रहा है, इसमें वो तत्व मिल रहा है। भाई कौन सा तत्व, काहे का तत्व? वायु तत्व है। वायु तत्व अगर संपूर्ण है, शरीर को जितनी वायु चाहिए जीवित रहने के लिए वो तभी जनरेट हो रही है जब वो क्रिया पूरी हो रही है। इसको मोटर मान लीजिए, अगर कि मेरा मोटर अगर सही काम कर रहा है तो वो कंप्लीट एयर को जनरेट कर रहा है। वो कंप्लीट एयर जो है उसका ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो रहा है तो प्राणों की उत्पत्ति हो रही है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बदल रही है, शुद्ध विचार आ रहे हैं। अब ये प्रक्रिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गई और मैं किसी डिजायर मोड में चला गया। अब डिजायर मोड क्यों आई? क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केटिंग चल रही है। ये वाली गाड़ी देख लो, ये वाली लड़की देखो, ये वाला कॉस्मेटिक देखो, ये वाला घर देखो, तमाम प्रपंच फैले हुए हैं। तो आप अपनी नीड से उठ के अपनी डिजायर की मोड में चले जाते हैं। नीड मतलब आपकी आपकी आवश्यकता गाड़ी है, समझ में आता है, लेकिन आप बोले मर्सिडीज है तो वो डिजायर हो गई। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ सर। तो जब भी कभी हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारी अटेंशन इंटेलिजेंट थॉट्स को जनरेट कर रही है। इसका मतलब हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजें इसके बाद में आएंगी। तो हमारे शरीर के प्राण जो जनरेट होते हैं वो हमारी आत्मा का लक्षण है। जितने ज्यादा शरीर के भीतर प्राण होंगे उतना शरीर पावरफुल होगा, उसके विचार उतने ही डीपर लेवल को इम्पैक्ट करते हैं।
उतनी ही बड़ी बड़ी धारणाएं, उतनी ही बड़ी बड़ी इच्छा महत्वाकांक्षाएं ये बनती हैं हमें। जब अगर हमें ये पता है कि इच्छा क्रिया और ज्ञान ये तीन स्टेप होते हैं, कि सबसे पहले एक बड़ी इच्छा हो, बड़ी क्रिया, उसके बाद एक बड़ी क्रिया होगी, उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, ये जैसे मर्सिडीज है, ये ना बच्चों की, जो छोटे बच्चों की कार जो होती हैं, उनको बड़े अट्रैक्टिव मॉडल्स होते हैं। आप देखो जितने भी घर हैं जहां पे किसी भी जाति, ये वो कोई सा भी एस्पेक्ट ले लो, उस घर में जो गाड़ी होगी, वो गाड़ी जो है उसका मॉडल बिल्कुल नई बड़ी गाड़ी के मॉडल के जैसा होगा, और वो बड़ा मॉडल की कीमत ना के बराबर होगी। आपको 100 रुपए से लेकर और 5,000 रुपए में दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां देखने को मिलती हैं मॉडल्स के रूप में। छोटा बच्चा उस मॉडल को देखकर जिद करता है और वो वाली आप गाड़ी दिला दो, क्योंकि उस ज्यादा महंगी तो होती नहीं है भाई। ये कौन सी गाड़ी की कंपनी का मैं देखता हूँ आज, जो ध्यान नहीं आ रहा, वो 100-100 रुपए की गाड़ियां बेचता है, और बच्चे लाइन लगा के, मतलब उनके पास सारे वेरिएंट होते हैं गाड़ियों के हिसाब से। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? इसलिए क्योंकि दिमाग में बचपन से ही एक मॉडल घुसा दिया, जब वो बड़ा होगा उसकी जेब में पैसे होंगे, वो उसका काम होगा 5 लाख की गाड़ी खरीदने का, वो 15 लाख की गाड़ी खरीद लाएगा। क्यों खरीद लाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में डिजायर बचपन से बढ़ दी गई। अगर उसी टाइम पर माँ बाप जो हैं बचपन से उस बच्चे के भीतर बड़े उद्देश्य या आध्यात्मिकता या बहुत बड़ी शक्ति ये सब डाल दे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो जाए। अब जब मैं जैसे इस्कॉन में देखता हूं, तो इस्कॉन में मुझे वो श्री कृष्ण और राधा जी जो है वो प्रेमी प्रेमिका के जैसी दिखती हैं, जबकि कृष्ण जी और राधा जी जो है वो जिस एज में मिले थे, वो उस समय उनकी एज मैक्सिमम 12 वर्ष थी। अब 12 वर्ष के बच्चे में क्या रोमांस करा लोगे आप? छठी सातवीं का बच्चा हो गया 12 वर्ष में, पर वो वहां पर जो है वो रोमांस ही रोमांस भर रखा है उसकी सारे एक्शन। जबकि श्री कृष्ण जो थे मात्र 12 वर्ष की आयु में हाथी को सूंड से उठा के फेंक रहे थे, वो इस्कॉन डिपेक्ट नहीं कर रहा कहीं भी। तो मैं ये नहीं है कि मैं इस्कॉन के खिलाफ हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा डिपिक्शन है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, वो श्री कृष्ण एज ए रोमियो है, वो एज ए साइंटिस्ट नहीं है, एज ए वॉरियर नहीं है, वो कोई एस्पेक्ट नहीं हाईलाइट कर रहे। ये मेरा एक मेन पार्ट है जिसको मैं, अगर हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से बोला जाए कि आप हाथी को सूंड से उठा के फेंकोगे, तो वो बचपन से ढंग का खाना खाएंगे, ये मैगी पास्ता खाएंगे ही नहीं। बट हम उसके जितने भी इमेजेस उनके बचपन से उनमें डालना चाहें, वो सारा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम का जो पीरियड होता है, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी और वो सारा होता है, वो डिजायर से ही प्रेरित होता है। तो एक छोटे से एस्पेक्ट का कितनी जगह रोल प्ले है वो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब अगर कोई महिला जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर और जब तक बच्चा 3.5 से 5 साल का नहीं हो जाता, 7 साल का नहीं हो जाता, तब तक अगर वो टीवी ना देखे, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत ही पावरफुल। ये मेरा अभी तक का पूरा निचोड़ है। तो ये जो डिजायर्स हैं इनका जब आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करने लगेंगे, और कोई भी महिला जो गर्भिणी के तौर पर जो है वो अच्छा कंटेंट पढ़े, अच्छे कंटेंट को या ये बीज मंत्र श्रीम के तौर पर लिखे, तो हम आज भी राम और कृष्ण जैसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, और वो भी घर घर में। आज हम इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमारे 2 मेडल निकल आए, 2 गोल्ड के निकल आए, वही बहुत बड़ा एहसान है। कहां पूरा देश ही जो है वो वॉरियर था। ये इस वजह से क्योंकि हम एक मार्केटिंग एंटेंगलमेंट में फंसे हुए हैं जो डिजायर से रिलेटेड है, वो हमारी बीमारियों का मुख्य कारण है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये डिजायर जो है इसको जब हम होल्ड करते हैं, जब हम इस डिजायर को होल्ड करते हैं, तो हमें कफ के रोग होते हैं।
अब बड़ा लॉजिकल सा प्रोसेस है, जब मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास लेने के बाद मेरे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से रिवर्स ऑर्डर में ऊपर वापस आकाश। ये मेरा ऑर्डर हो गया, बट मैं डिजायर को भी होल्ड करके बैठा हूं। तो जब मैं वायु से अग्नि और अग्नि से जल की डोमेन में जा रहा हूं, तो वहां पर मैं उसी जल में दलदल के जैसा हो गया और कफ की उत्पत्ति हो गई। तो जब मैं उस डिजायर को होल्ड कर रहा हूं तो कफ की उत्पत्ति हो रही है। अब जब कफ की उत्पत्ति हो रही है तो मेरा जो जल तत्व है, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया में ओज बनता है, ओज मतलब वीर्य, वो ओज नहीं बन रहा। जब ओज नहीं बन रहा तो मेरे जो शरीर का क्या कहते हैं एक तरीके से, क्या तेजस कहते हैं जी, तेजस तेजस हाँ ओज, ओज या नहीं, तेज सर डिफरेंट होता है, ओज अलग होता है, तेज अलग होता है, अभी उस पे आते हैं एक सेकंड। तो ये जल जो है, जो कंप्लीट ब्रीदिंग पे ओज में कन्वर्ट होता है, ओज से हमारी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन पावर डिफाइन होती है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है, उसकी जो पावर है वो डिफाइन होती है, जितना हमारा ओज ज्यादा होता है उतना ही ये पावर बढ़ती है, और इसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल उतना ही ज्यादा और कम के तौर पे हमें पता चलता है। जब ये नहीं होता, अब इसका इम्पैक्ट समझ लें, इसको आप ऐसे मानो कि जैसे एक बैटरी है, बैटरी में जो हमारा जो टर्मिनल्स हैं वो कितना करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वो है पार्ट। अब फिर हम डिजायर्स को भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, है ये गाड़ी कितनी अच्छी है, किसी की गाड़ी दिख गई उसको छू के देख रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो दिमाग जो है उसी चीज को होल्ड करे रखा है। जब वो इस तरीके की डोमेन रहती है तो ये कफ के रोग हो जाते हैं। सो मेरा वाटर एलिमेंट जो है, जो डायरेक्ट जा रहा है सीधे, तो वो डायरेक्ट की साइकिल क्या है, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, फिर उसके बाद अर्थ वाटर फायर एयर स्काई। तो यहां पर मैं पहले स्टेप पे अटक गया विच इज एयर, फिर दूसरे स्टेप पे अटक गया विच इज वाटर, फिर श्वास जो है वो नाभि तक पहुंची, क्योंकि रोज रात की प्रक्रिया तो ऐसी होती है, फिर जब वो वापस जाती है तो वापस जाने पर थर्ड डोमेन जो अटेन होती है वो पित्त की होती है। तो वात कफ पित्त ये ऑर्डर है इसका। तो जब श्वास वापस जाती है तो वो श्वास जो है वो पित्त मतलब अग्नि तत्व, अग्नि जो है वो जब कंप्लीट ब्रीदिंग होती है तो अग्नि परिवर्तित होती है तेज में। ठीक है जी, अग्नि परिवर्तित होती है तेज में। ये तेज जो है, ये जितने भी फोटो में जो है भगवान के पीछे एक पीला सा चक्कर बनाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो आपका जितना ज्यादा ओज होता है, मतलब आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जितनी स्ट्रांग होती है, उतना ही आपका उसका एक ऑरा क्रिएट होता है, उस ऑरा को तेज कहते हैं। तो ओज और तेज फंडामेंटली, अब प्राण, ओज और तेज, ये तीन डोमेन आ गई हमारे सामने। तो जब मैं अपनी ब्रीदिंग में वापस जा रहा हूं, और ब्रीदिंग में वापस जा रहा हूं तो मेरा थॉट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डिजायर। ये जो इनकम्प्लीट डिजायर जो है, हाथ तो आया मुंह ना लगा, ये इनकम्प्लीट डिजायर की वजह से मेरी अग्नि तेज में कन्वर्ट नहीं होती और मेरे शरीर के भीतर पित्त उत्पन्न हो जाता है।
पित्त उत्पन्न होने से वो शरीर के लिए तो उपयोगी है क्योंकि वो उस पर कर रहा है, लेकिन इसका जो इम्बैलेंस होता है वो शरीर में पित्त के रोगों की उत्पत्ति करता है। अब यहां पर तीन चीजें हैं, एक है विचार जो वात के हिसाब से होता है पैरेलल, एक है आपका कफ जिससे शुक्राणुओं का कंट्रोल पता चलता है। और जो पित्त है उससे कीटाणु। शरीर के लिए सारे उपयोगी हैं, ये जो शुक्राणु कीटाणु बन रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया में, कीटाणु का क्या रोल पे होता है, हम कीटाणु को क्या मानते हैं, खराब मानते हैं अच्छा मानते हैं खराब ही मानते हैं, दोनों जी शुक्ला जी, ये खराब होते हैं अच्छे होते हैं। ही होते हैं, क्योंकि अगर कीटाणु जो है अगर बैक्टीरिया के रूप में है तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें का प्रोडक्शन करता है, राइट और अगर वो अगर किसी वैसे इनफेक्शियस बैक्टीरिया के रूप में है तो वो टीबी से लेके अगर बहुत सारे बड़े कान के। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी इंटेस्टाइन में जो एसिड जनरेट होता है उसको शमन करने की जो क्षमता जो है वो इन कीटाणुओं में है। तो कीटाणुओं की जो उत्पत्ति हमारे शरीर में होती है वो हमारे इंटेस्टाइनल फंक्शन को स्मूथ करती है। अगर वो कीटाणु हमारे शरीर में ना हो तो हमारी सारी आंतें जो हैं वो एसिड से जल के ही खत्म हो जाए, इतना भयानक एसिड हमारा शरीर अंदर उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जितने भी ध्यान से मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे पता चलता है कि शुक्राणु कीटाणु और विचार ये तीन मेरे जीवित शरीर के लक्षण हैं। अगर मेरे शरीर में आत्मा नहीं है तो ना तो विचार उत्पन्न होंगे, ना कीटाणु उत्पन्न होंगे, ना शुक्राणु उत्पन्न होंगे। तो ये तीनों का जो समन्वय है जो है वो समन्वय मेरी श्वास लेने की प्रक्रिया से चलता है, और वो श्वास लेने की प्रक्रिया जो है उसको मेरा प्राण ओज और तेज जो है वो धीरे 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 करके हर एक व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाता है। जब इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है तब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये प्रक्रिया हमारे पूरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। बट डिजायर्स होल्डिंग द डिजायर्स एंड इनकम्प्लीट डिजायर, हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये कहना नहीं है कि आप मर्सिडीज मत लो, मैं कहता हूं मर्सिडीज से भी बड़ी गाड़ी लो, मेबैक लो, नो प्रॉब्लम्स, बट उसको डिजायर मत बनाइए, उसको डिजायर मत बनाइए। अगर वो एक दफे डिजायर बन जाती है तो वो आपके हेल्थ सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, और हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ को अपनी डिजायर्स की वजह से खराब करते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, तो ये वात पित्त कफ जो है उसका मूल आधार ये वाला है। तो जब आप इस प्रकार से अपना एक पॉइंट उठाकर हर चीज का कारण देखेंगे तो शरीर में हर जगह जो आत्मा का रोल है वो बिल्कुल एक टारगेटेड प्रोसेस है, और वो आत्मा बैठी है मेरे लंबिकाग्र चक्र में। तो मैं हमेशा किसी भी रोगी को ठीक करते वक्त ये प्रार्थना करूं कि इसका लंबिकाग्र चक्र बहुत बलवान हो, उस लंबिकाग्र चक्र को जो है उसका सहस्त्रार चक्र ऊर्जा दे, और इस शरीर में संपूर्ण रस की उत्पत्ति हो। उसके लिए मैंने एक बीज मंत्र बना लिया श्रीम, जिसमें मैंने उसको आधा षटकोण का क्ष, पूरा क्षत्रिय वाला ठोस, आधा क्षत्रिय वाला क्ष, नीचे रा ऊपर रा और श्री, पहले फेज में श्रीम, दूसरे फेज में इसी को मैं श्री बोल सकता हूं। ठीक। तो ये श्री हो गया। तो श्रीम श्री जो भी प्रक्रिया मैं अपने भीतर ऑब्जर्व करूंगा उस प्रक्रिया को मैं इस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए यूज करूंगा। मैं मेरी अप्रोच समझा पाया?
एक पर्टिकुलर बीज जी मंत्र को लिखने से आपका आत्मा जो है वो आत्मा तत्व जो है वो जागृत होता है, सस्टेन होता है, स्ट्रेंथन होता है। उस प्रक्रिया को करने से आपकी डिजायर्स, होल्डिंग द डिजायर और इनकम्प्लीट डिजायर जो इम्बैलेंस का कारण है, वो इम्बैलेंस आपको रोग देता है और वो बैलेंस आपको रोग मुक्त रखता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है समता का सिद्धांत कि आपका वात पित्त कफ सम हो। कोई भी हल्का सा भी कुपित होगा तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, लेकिन वात पित्त कफ का आयु से कोई संबंध नहीं है। वात पित्त कफ कितना भी कुपित हो, लेकिन वो आयु जो है एक अलग डोमेन है। तो आयु को तौर्य तृक्य कहते हैं कि वो वात पित्त कफ की तुरीय व्यवस्था है जिसका पता हमारे को नहीं होता। तो जिसका पता नहीं है उसको एड्रेस करने से ये सब अपने आप ठीक हो जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी बाकी सारी चीजें ये जो है, ये वाली स्लाइड जो है, ये आपको पहले पढ़नी पड़ेंगे फिर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये यहां से लेके हाँ वाता पिता कपाया इस वीक खत्म करते हैं। अब अगर हम अपनी पूरी प्रक्रिया को एक सम टोटल सिचुएशन में लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे चक्रा सारे कनेक्टेड हैं, तो हम डिजीज स्पेक्ट्रम को समझ पाएंगे। जब तक आप रोग और उसकी प्रक्रिया को नहीं पकड़ेंगे, तब तक जो है आप उस रोग का निदान भी नहीं देख पाएंगे। डिजीज स्पेक्ट्रम का मतलब है कि मैं पहले बीमारियों के चक्रा से कनेक्ट होने के प्रोसेस को ध्यान करूं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि भाई हमारा जो है मन तत्व होता है। मन मतलब रोग होने की प्रथम अवस्था मानसिक रोग है। तो संपूर्ण मानसिक रोग जो है उसको आइडेंटिफाई करना। अब मानसिक रोग जो है उसका मूल कारण क्या है, वो प्रथम चक्रा है पूरी प्रक्रिया में। तो प्रथम चक्रा जो है उसका कनेक्शन है पूर्व जन्मों से। सो पूर्व जन्म को अगर मुझे रिजॉल्व करना है तभी मेरे मानसिक रोग ट्रांसफॉर्म होंगे। मानसिक रोग का मतलब कोई चीज मुझे सुख लगती है, कोई चीज मुझे दुख लगती है, और हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, एक एक्सरसाइज करनी है, उस एक्सरसाइज में आपको जितनी चीजें अच्छी लगती हैं उसको एक तरफ रख लीजिए और जितनी चीजें बुरी लगती हैं उसे दूसरी तरफ लिख लीजिए। कोई भी चीज का एग्जाम्पल दीजिए। शुक्ला जी कोई एग्जाम्पल बताइए, आपको क्या चीज बहुत बुरी लगती है? सबसे ज्यादा बुरी तो जब मैं किसी पेशेंट को नहीं ठीक कर पाता वो लगती है मुझे, आत्मग्लानि। ठीक, आत्मग्लानी लगती है। ठीक है, अब हम इसको राइट साइड में पेपर पे लिख लें कि ये जो है मेरे को ये चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है। रमेश सर, आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? ध्यान सबसे अच्छा मेरे को बैठ के ध्यान करने में अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट। करने में। तो उसको राइट साइड में जो है एक को चीज को जो अच्छा लगता है उसको एक तरफ लिख दीजिए, जो बुरा लगता है उसको एक तरफ लिख लीजिए। ऐसे करके अपने जितनी भी चीजें आपको ध्यान में है अपने नॉन डोमेन में, क्या क्या अच्छा लगता है उसको एक तरफ लिख दीजिए और क्या क्या बुरा लगता है उसको एक एक तरफ लिख दीजिए। अब एक एक उदाहरण और दीजिए गुड और बैड का। शुक्ला जी आप एक गुड का उदाहरण दीजिए, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है? ये मत बोलिएगा कि रोगी को ठीक करना अच्छा लगता है। ना 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 ऑलरेडी ना, पॉइंट मुझे एड्रेस तो कर चुके। जो चीज बहुत अच्छी लगती है वो बोलिए। सबसे अच्छा लगता है मीठा खाना। मीठा खाना, उसको एक तरफ लिख लीजिए। रमेश सर आपको सबसे ज्यादा क्या बुरा लगता है? बुरा ये लगता है कि अगर आप किसी को हेल्प करने जाओ, कोई आके बोलता है इसको हेल्प मत करो, अच्छा नहीं लगता वो। व्हेन समबडी कंप्लेन्स अबाउट अदर पीपल, ऑलवेज कंप्लेनिंग, कॉन्स्टेंटली नैगिंग, कंप्लेनिंग। अब ये जो पार्ट है इसको भी लिख लीजिए।
अब दोनों पॉइंट्स जो आप दोनों जनों ने दिए हैं अपने अपने बारे में, उस पॉइंट के आधार पर क्यों क्यों ऐसा लगता है, उसको डिस्क्राइब कीजिए। जब आप क्यों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे सीक्वेंसेस अपने उसमें ध्यान आएंगे कि अच्छा, ये मुझे कोर रूप से बुरा क्यों लगता है, ये मुझे कोर रूप से अच्छा क्यों लगता है। आप एक थॉट या एक पर्सनालिटी से कनेक्ट होंगे जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती होगी। तो जो चीज आपको उस पर्सनालिटी, उस रोल प्ले से कनेक्ट करती है, वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और जो चीज उस पर्सनालिटी रोल प्ले से अलग करती हैं, वो चीज आपको बुरी लगती है। फोर पॉइंट तो यही है, सही है। जब आप उस क्यों को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको अपने भीतर की एक प्रक्रिया पता चलेगी। फिर आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली तो मैं उस व्यक्ति को कॉपी कर रहा हूं, पर मैं वो व्यक्ति तो हूं नहीं, क्योंकि वो भी यूनिक था और मैं भी यूनिक हूं। उसके माता पिता भी अलग थे, मेरे माता पिता भी अलग है। सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो ईश्वरीय तत्व है, जो उसके भीतर भी था और मेरे भीतर भी था। तो मैं अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करूं, इस गुड और बैड के चक्कर में, सुख और दुख के चक्कर में मेरी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं। जब आप इस प्रकार से इस पॉइंट को एड्रेस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सुख और दुख वाली जो बकेट है वो खाली होना शुरू हो जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मानसिक रोग, सड़क मानसिक रोग जितने भी लोगों को होते हैं, उसका मूल कारण ये वाला पार्ट है। अभी मैं औषधि पे जा ही नहीं रहा। मैं मेरा पॉइंट एक्सप्लेन कर पाया? जी जी अब ये तो हो गया करेक्टिव एक्सरसाइज कि मुझे क्या करना चाहिए सो दैट कि मेरी ये प्रक्रिया का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। अब आते हैं इसकी औषधि के ऊपर। आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया दे रखी है वो ये है, आपकी जितनी भी जी शक्तिवर्धक औषधियां हैं, जैसे आपका योगेंद्र रस, बसंत कुसुमाकर रस, महालक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, सिद्ध मकर ध्वज, ऐसे करके जितनी भी औषधियां हैं, इन सारी औषधियों को आप जब जटामासी चूर्ण से मिलाकर देते हैं, किससे देते हैं? जटामासी जटामासी चूर्ण के साथ मिलाकर देते हैं, तो वही औषधि गले के नीचे इम्पैक्ट करने की बजाय गले के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। क्या बोला मैंने? गले के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू जटामासी करती देने है। से गले के ऊपर काम करेगी। दवाई के कॉम्बिनेशन में जटामासी चूर्ण मिलाते ही वो दवाई शरीर के रोग को ठीक करने के बजाय मानसिक रोगों को ठीक करती है। सिर्फ एक दवाई गेयर सिस्टम की तरह काम करती है। और जटामासी बड़े कॉमनली अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए आपको योगेंद्र रस खाना है और आपको लगता है मेंटल फटीग, तो आपने एक टैबलेट योगेंद्र रस के लिए उसे पाउडर करा, उसमें 1/4 ऑफ अ टीस्पून जो है वो डाला जटामासी चूर्ण, जटामासी और आपने जो है उसको शहद में मिला के और खा लिया। तो आप देखेंगे कि आपने जो योगेंद्र रस लिया, जो आपके लंग्स को, ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को, सब चीजों को स्ट्रेंथन कर रहा है, वही औषधि आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करना शुरू हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जितने भी लोग आयुर्वेद के, क्या कहते हैं इसको, जो आयुर्वेद के जानकार कहते हैं अपने आप को, उनको ये सूक्ष्म सा पॉइंट नहीं पता होता। अब ये यहां से हमारी मानसिक प्रक्रिया जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाती है, जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड होता है।
सहस्त्रार चक्र का फंडामेंटल रोल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है। तो मानसिक रोगों के बाद में जो दूसरी प्रक्रिया आती है वो आती है आत्मा की, और आत्मा जो है उसका प्रथम लक्षण बुद्धि है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि जो है वो धर्म और अधर्म इसके बीच में जो है वो फंसी रहती है। तो धर्म जो है वो उसको क्या कहते हैं, ये मूल पॉइंट है समझने का। धर्म मतलब उसका बिहेवियर इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए, इसको धर्म कहते हैं। और जो डेविएशन है उसको अधर्म कहते हैं। तो राइटफुल एक्शनेबल, तो जब आप राइटफुल एक्शनेबल को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं तो आपके शरीर के भीतर का जो आत्मा तत्व है वो बढ़ता चला जाता है, और वो इस बात से मेजर होता है कि आपके शरीर में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसमें इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, आपकी कितनी प्रबल इच्छाएं हैं, किससे आप द्वेष करते हैं, किसी व्यक्ति से या सिस्टम से, और उसके लिए आपका प्रयत्न कितना है। जब आप इच्छा, द्वेष, प्रयत्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आप देखते हैं कि अच्छा, इस चीज में जो मैं इच्छा कर रहा हूं वो इच्छा मेरे अपने स्वार्थ से कनेक्टेड नहीं है, वो मेरे जीवन के उद्देश्य से कनेक्टेड है। तो वो इच्छाएं बड़ी इच्छा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हर वो व्यक्ति जो 500 करोड़ के बारे में सोचता है वो एक लिमिटेड डोमेन वाला व्यक्ति है। बट अगर व्यक्ति 5,000 से ऊपर के बारे में, पैसा कमाने के बारे में सोचता है तो वो उसकी प्रबल इच्छा में माना जाएगा। 500 करोड़ तक कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपके भीतर स्ट्रॉन्ग आत्मा तत्व होना चाहिए। इसलिए जितने भी आप वो क्या कहते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर और इस टाइप के लोग देखते हैं, वहां पर इस चीज का बहुत बड़ा रोल प्ले आप देखते हैं कि उनका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही काम एंड क्वाइट होता है। जो भी व्यक्ति 5,000 करोड़ से ऊपर का है, उससे नीचे का है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आता है चला जाता है। लेकिन 5,000 करोड़ से ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसके भीतर की जो इच्छा शक्ति होती है वो फर्क होती है, और वो बड़े ठोस काम कर रहा होता है। कोई भी उठाई गिरे वाला काम जो है उसकी सोच में नहीं आता। तो मैंने देखा कि अच्छा, ये जो बड़े लोग हैं ये इस हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे कमाने और उसके खर्चा करने और उस प्रक्रिया में वो नहीं होते। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी जब भी हमें कोई भी आत्मा रिलेटेड रोग होगा जो सहस्त्रार चक्र को ठीक करने से ठीक होता है, इसका मतलब है हम राइटफुल एक्शनेबल पार्ट पर सोच नहीं पा रहे या काम नहीं कर पा रहे। हमारे चक्रास जो है वो शरीर के भीतर की इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मूलाधार चक्र है तो क्या वो शरीर का जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपरली बाहर भेज रहा है या रोक कर बैठा है? तो इसका मतलब कि मेरे मूलाधार चक्र में कोई समस्या है। तो जब मैं उस समस्या को आइडेंटिफाई करता हूं तो वो प्रक्रिया में जो चेंज है वो चेंज भी अपने आप आ जाता है। तो इस आधार पे मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो इस कारण से चल रही हैं। ठीक है जी। जी तो अब मैं सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, जिसका मन एलिमेंट है, वेस्ट डायरेक्शन से वो कनेक्टेड है, सिल्वर कलर उसका कलर है, उस डोमेन के अंदर मैं पूरी साइकेट्री एज ए सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूं, पूरी साइकेट्री। यानी कि अब हम ये जो 9 चक्रा का प्रोसेस है और जो एमबीबीएस का सिलेबस है उसमें कौन सा
आस्पेक्ट आता है उसको हम मैच करें, जब हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो हमारे सिलेबस का भी स्ट्रक्चर आ जाएगा कि एक चक्र या मल्टीपल चक्र के, मतलब सिंगल चक्र और सिंगल कॉम्बिनेशन के तौर पे हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा चक्र कितने प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है, तो उसकी पूरी डोमेन आइडेंटिफाई होती है। कंप्लीट साइकेट्री एज ए सब्जेक्ट इज गवर्न्ड बाय सहस्रार चक्र बंद, ठीक है जी। कंप्लीट चैलेंजेस पर्टेनिंग टू सेलुलर रिप्रोडक्शन, इंटेलिजेंस ऑफ द सिस्टम्स इज कनेक्टेड विद सहस्रार चक्र ठीक है जी। सेलुलर रिप्रोडक्शन जिन जिन बीमारियों के तौर पे कनेक्ट हो रहा है उन सब बीमारियों में इसका रोल प्ले आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तीसरा आता है हमारा लंबिकाग्र चक्र। लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिजीजेस जो है वो पार्ट आता है, यानी कि जितना भी ऑटिज्म रिलेटेड चैलेंजेस है, ऑटिज्म रिलेटेड सारे चैलेंजेस, एडीएचडी, ये सारे टाइम के बीमारियां हैं कि जितना टाइम ऑप्टिमैलिटी चाहिए था उतना टाइम ऑप्टिमैलिटी नहीं मिला, इसलिए वो रोग उत्पन्न हो गया। उसको देखेंगे, उसका हार्डवेयर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा। तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये रिप्रोड इसके मतलब जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड था उस पीरियड में उस टाइम पर कितना ध्यान जाना चाहिए, उस टाइम पर कितनी डीप ब्रीद होनी चाहिए, ये उससे कनेक्टेड है। तो जब इस प्रकार के समस्त रोगों को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो सिर्फ लंबिकाग्र चक्र को ठीक करने से वो प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है उसमें न्यूरोलॉजी के वो सारे डिसऑर्डर्स काउंट होते हैं जहां की डायमेंशन का डिफरेंस आ रहा हो। मैं मेरी बॉडी को देखूं तो मुझे ये पता है कि इसकी कौन सी डायरेक्शन जो है वो कितना कंप्लीट है, तभी मेरी शेप मुझे आइडेंटिफाई होगी, मेरा सर इतना होना चाहिए। अब अगर मैं सर और बॉडी का रेशो देखूं तो कितना है रेशो? शुक्ला जी हैं कहीं चले गए? नहीं, मैं यही हूँ सर, लेकिन मैं अच्छा तो सोच रहा हूँ बस। नहीं, आप सोच तो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे, तो इसलिए मैंने देखा कि अच्छा कैसे। सर, वो रूम को साफ करने वाला आया था ना, तो मैंने नो वो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी। जी। तो जब मैंने इस प्रकार से इस प्रोसेस को देखा कि जो हमारा डायरेक्शन रिलेटेड प्रोसेस है उसमें मुझे बॉडी का प्रपोर्शन दिखा। अब शुक्ला जी एक बात बताइए कि एक एक जो ग्रोन अप बॉडी है उसमें हेड और बाकी बॉडी का रेशियो प्रपोर्शन कितना होता है? शायद 1:6, मैं मतलब कंफर्म नहीं कह सकता, हाँ, तो लेकिन एक हमें टू पता लगा 1/8 रहा हूँ। होता है सर, अडल्ट में 1/8, तो चिल्ड्रन में 1/5 होता है सर। 1:8, अब जो 1/5। बच्चा जस्ट बॉर्न है उसके हेड और बॉडी में रेशो प्रोपोर्शन कितना डिफरेंस होता है? 1/4 1/4 ऑफ द बॉडी लेंथ होता है। 1/4 है, 1/3 है। 1/3 to 1/4 अप्रोक्सीमेटली, मैं तो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा जो कहने का पार्ट है वो ये है कि हेड, नेक और टेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सेम साइज का होता है, और जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद रेशो प्रोपोर्शन चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी शरीर जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगाता है वो हेड रीजन को डेवलप करने में लगाता है, और जब वो प्रेगनेंसी के बाद बाहर आता है तो हेड जो है वो नेक और टेल के रीजन को एक्सपैंड करने में अपनी एनर्जी लगाता है। तो अगर मैंने डायरेक्शन, टाइम और डायरेक्शन के हिसाब से
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जरा सा भी ध्यान कम करा तो मेरी बॉडी का जो ग्रोथ पैरामीटर जो है वो इम्बैलेंस में चला जाएगा। जितनी शक्ति वहां पर होनी चाहिए उतनी शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में असमय संबंध डायरेक्शन की डोमेन को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए बोले गए। असमय संबंध टाइम की ड्यूरेशन ड्यूरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए बोले गए। लेकिन मानसिक रोग और जो ये इंटेलिजेंस रिलेटेड पार्ट जो है वो आत्मा के और उस प्रक्रिया के चिंतन से कनेक्टेड था, इसलिए वो उसमें रोग में नहीं आए। वो स्पिरिचुअल प्रोसेस से ही होते हैं। और ये पता भी मैंने कब मेरे को ध्यान में तब आया जब मैंने देवकी को कृष्ण की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया के तौर पर ऑब्जर्व करा। तो हर बार जो है एक कमांड होती थी कि जब कंस उसके एक बच्चे को मार देता था तो वो कहती थी ये तो मैंने आधा ही पकाया, मैंने तो तेरे कंस रूपी काल का महाकाल का इन्वोकेशन करा था, अभी महाकाल नहीं आए तो तू ही तो तभी तो तू इसको मार पा रहा है, जब महाकाल आएंगे तब उसके बाद तू देखना। तो ऐसे करके वो हर बार इसी माइंडसेट को, क्योंकि अगर मैं एक महिला की मानसिक एबिलिटी को देखूं कि जो जिसका बच्चा उस कमरे में मार दिया गया हो उसकी मानसिक विक्षिप्त स्थिति होगी, जबकि देवकी की ऐसी नहीं थी। देवकी जो है वो उसके बाद दोबारा संबंध बनाती थी, दोबारा गर्भ धारण करती थी और वो प्रक्रिया को फिर से करती थी, और वो साल दर साल उस प्रक्रिया को ऐसे ही करती चले गए। टू एन एक्सटेंट की जो वसुदेव हैं उनको इस बात को ध्यान करना पड़ा कि अगर ये इसी तरह से करती रही तो जिस व्यक्ति को ये जन्म देगी वो कितना खूंखार होगा। इसलिए जब जैसे ही कृष्ण हुए बोले कि इसको तो देवकी को छूने भी नहीं देना जब तक ये 7 साल से ज्यादा बड़ा ना हो जाए, और पूरा गोकुल जो था वो पूरा गोकुल का प्रत्येक व्यक्ति केवल कृष्ण को प्यार ही प्यार करता रहा ताकि उसके भीतर का क्रोध कम हो। और कृष्ण बाल्यकाल से ही इतने क्रोधी थे कि वो किसी को भी मारने में 1 सेकंड नहीं लगाते थे, चाहे कोई कितना ही बड़ा असुर और वो हो। तो अब इस प्रकार से तो कोई चीज हाईलाइट करेगा नहीं अपने टेक्स्ट में कि कृष्ण जो है, बट हर जगह का कंट्रीब्यूशन होता। मैं कहूँ यार ये महिला जो है ना अपने पति को देख रही ना अपने बच्चे को देख रही है तो केवल कृष्ण को देख रही है। कृष्ण जो करें वो शर्माते हैं, उसको कभी किसी चीज में कोई ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत कर रहा है सही कर रहा है। भाई जब तुम्हारे अपने घर में इतना सारा दूध मक्खन है तुम्हें दूसरे घर जाके चोरी करने की क्या जरूरत है, पर तुम सबको चोरी करवा रहे हो। पर वो चोरी करवा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपके इसको लिए गलत नहीं कह रहा। कृष्ण जाने के लिए गुरु जी का फोन आया, 10 मिनट में कर लेना, रेडी हो जाओ पूरी कंप्लीट। तो जो वो चोरी करवा रहे हैं उसको कोई गलत नहीं कह रहा। तब तो मैंने रियलाइज करा कि अच्छा ये लोग तो इस क्रोधी व्यक्ति में केवल प्रेम जनरेट करने के लिए ही अपना इन्होंने लाइफ पूरा लगा दिया कि जब कृष्ण तैयार होंगे तो नंद ने जितने भी लोगों को सेना के तौर पे तैयार करा था, भाई एक आदमी के पास मिनिमम 10 लाख गाय थी, जो वृषभानु थे उनके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ गाय थी, ये टाइटल होता है नंद उपनंद वृषभानु, ये टाइटल थे। तो उस टाइटल से हमें ये पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया में उनके पास कितनी गाय थी। अब अगर एक जगह 10 करोड़ गाय हैं, मान लीजिए एक गांव के जो ओनर्स हैं उनके पास 10 करोड़ गाय है, तो उन्हें कितनी लेबर रखनी होगी अपने पास में उन गायों को मैं वो करने के लिए चारा और ये सब दिलाने के लिए। तो ऐसे करके आप एस्टिमेट कर सकते हो कि एक आदमी मैक्सिमम 30 से 40 गायों को मैनेज कर सकता है, इससे ज्यादा को एज ए हर्ड वो मैनेज नहीं कर सकता। तो सेना कितनी बड़ी पैरेलली तैयार हो गई। इस कारण से कंस कभी भी जो है वो इससे युद्ध नहीं करता था, केवल छद्म युद्ध में अपने सैनिक भेजता था। क्यों? क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया जो है अगर उन्होंने उसके साथ युद्ध करा और वो लोग मर गए और मरने पे उन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो उसका राज्य तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कहेगा लानत ऐसे राजा के ऊपर जो प्रजा को दूध घी भी नहीं दे सकता। तो उसने अत्याचार केवल छद्म रूप से करे,
प्रकट रूप से नहीं करे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी तो मेरा कहने का पक्ष ये है कि हमारा जो डायरेक्शनल लेवल पर डेवलपमेंट जो है, वो डायरेक्शनल लेवल पे डेवलपमेंट हमारी इनर कमांड से कनेक्टेड है। आज की तारीख में जब हम कभी किसी बच्चे को तैयार करते हैं, तो हम केवल इतना रहते हैं, ये भगवान इसकी बड़ी अच्छी सी नौकरी लग जाए, इसके अलावा हम उसको कोई आशीर्वाद ही नहीं देते। जबकि हम उसी टाइम पे ये भी इच्छा कर सकते हैं कि हे भगवान हमारा बेटा जो है वो अरबपति बने, पर हम अपने कंप्लीट हो गए बच्चे को कभी आवाज। अरबपति नहीं बनाना चाहते, हम अपने बच्चों को बच्चियों को नौकर बनाना चाहते हैं। माताएं बहने जन्म जन्मांतर तक, 3 पीढ़ी तक तो मैं खास तौर पे देखता हूँ, जिसमें कि केवल है भगवान हर मेरे बच्चे की, मेरी बिटिया की बड़ी नौकरी लग जाए, मेरी बिटिया नौकरी करे, मेरी बिटिया नौकरी करे, वो कभी मालिक वाली सोच पन पाते ही नहीं कि मेरा बच्चा मालिक बने, ये सोच नहीं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि हम सब आज अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार हो गए। अगर हमारा उस समय का चिंतन इस बात का होता तो हमारे को वो डिफरेंस पता चलता। अब आज जब यूएस की वो इंडिया की इकोनॉमी नहीं खड़ी हो रही होती है, तो आज इंडिया के सारे हेड आईआईटीज के पास जाके उनको यही बोलते हैं कि आप यूएस मत जाइए, हम आपको यहीं पर सपोर्ट देते हैं। सो डायरेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड भी उतना ही काम कर रहा है, और डायरेक्शन हमका कनेक्शन है हमारे आज्ञा चक्र से। जब जब आज्ञा चक्र की इंटेलिजेंस बिल्कुल कंप्लीट होगी, तब तब ये प्रक्रिया जो है बहुत विलक्षण चलेगी। ठीक है जी, तो इस प्रक्रिया को देखने के बाद हमारे को डिजीज स्पेक्ट्रम जो है वो धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद जो है हम स्काई एलिमेंट पर आते हैं। स्काई एलिमेंट में स्पीच रिलेटेड प्रक्रिया है पूरा का पूरा। अब जब मैं अपने विचार को आइडेंटिफाई करता हूं, मतलब मेरा स्पीच प्रोसेस कैसे हो गया, हमारे शरीर में शब्द उत्पन्न होता है और शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसी विचार से कनेक्टेड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे कौन से विचार या क्या चीज हम ध्यान करें कि हमारी स्पीच जनरेट हो जाए, या स्पीच जनरेट होती क्यों है, कौन से विचार से वो जनरेट होती है, कौन से विचार से नहीं जनरेट होती। मान लीजिए मुझे कोई नाम बोलना है और मुझे वो नाम याद ही ना आए, तो क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं, तो मेरा कौन सा विचार मेरे उच्चारण की क्षमता देता है, मुझे वो जानना चाहिए। अगर वो पता होगा तो मैं किसी भी व्यक्ति के जो वाक से संबंधित दोष जो हैं उनको दूर कर पाऊंगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? समझ पा रहा हूँ। विचार को आइडेंटिफाई करना, कौन सा विचार किस प्रकार के वाक संबंधी दोष का निपटारा करता है, निवारण करता है। तो ये जो डोमेन है इसको जानने के लिए जो हमारी प्रक्रिया जो है वो कनेक्टेड है हमारे मूलाधार चक्र से। अब मूलाधार चक्र में आपका पूरा ईयर रिलेटेड जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली उसके अंदर आता है। आपका ओरिफाइस, ओरिफाइस कहते हैं मुंह जो खुलता है उसके हिसाब से, सो उससे रिलेटेड सारी प्रक्रिया जो है वो इससे कनेक्टेड है। अभी हम ये लेकर चल रहे हैं कि जब हम एमबीबीएस का सिलेबस उठाते हैं, तो एमबीबीएस में एक बच्चा 5 साल में पढ़ता कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की डोमेन कौन से डिजीज स्पेक्ट्रम से कनेक्टेड है। तो अगर आपने मूलाधार चक्र को एड्रेस कर दिया, तो आप कौन कौन सी बीमारियों के हिसाब से इस प्रक्रिया को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां पर जैसे
ये हाईलाइट कर रहा हूं कि मेरे पास जितने भी ईयर डिसऑर्डर हैं वो मेरे मूल आधार से कनेक्टेड हैं। ईयर डिसऑर्डर में सबसे मेजर डिसऑर्डर जो है वो टाइनेटस है। टाइनेटस का एलोपैथिक प्रोसेस में कोई इलाज नहीं है और टाइनेटस एक प्रकार का क्या कहते हैं उसको, कर्णनाद नहीं कहते हैं, कर्णनाद। वो तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो इसको जो है प्राइमरली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मानता हूं। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो हमारी मिलस इंकस और स्टेपिस है, मिडिल ईयर में जो तीन सबसे छोटी बोन का हिस्सा भी है, तो वो उनमें से आपस में जो वो जुड़ी हुई होती हैं, वहां पे WBC अटैक कर देती है और वो उसको मतलब उसका स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। तो वो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे हट जाती है और वो नाद शुरू हो जाता है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। मोटा मोटा जो इसका कान का जो पर्दा होता है, जो कोई जी भी चीज उस पर टच करती है तो वो वाइब्रेट करके एक साउंड प्रोसेस जनरेट करता है। वो हाँ, तो कान का वो पर्दा जो है तो उसकी इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, लेकिन जहां पे उससे पीछे जहां पर वो जो मैकेनिकल वेव है वहां पर वो केमिकल वेव वाली उसमें जाती है श्रेणी में, वहां पे मिलस इंकस स्टेपिस करके तीन बोन होती, तो वो वाला हिस्सा है। लेकिन हाँ, मैं उसे बेहतर समझ पा रहा हूँ, जो आप बताना चाहते हैं वो आपके मेरा साथ मतलब हो पा रहा है, ये है तो कि वो थोड़े हो पा रहा है। कान की इंटेलिजेंस जो है वो खराब हो जाती है। हाँ अब इस तरीके के जो ऊपर के हमने जो बोले, जो खास तौर पे सहस्रार चक्र क्लोज, लंबिकाग्र या लब्धिकाग्र चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, ये सबसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ये बीज मंत्र को ध्यान करने से रिजॉल्व होती है। अगर मान लीजिए मैं तमकश्री लेकर चल रहा हूं तो म श श त, इन चारों चक्रास के लिए ये बीज मंत्र जो है वो बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। मैं किसी भी पेशेंट को जिसको कि इन चार चक्रा से रिलेटेड चैलेंज है, मैं उसको इस एस्पेक्ट से एड्रेस कर सकता हूँ। ये तो हो गया सॉल्यूशन सेंट्रिक, मतलब ये कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे तमक श्री मम तमक श्री तमक्षी, मम तमक्षी। तो जो मेरी इंटेलिजेंस मेरे सहस्त्रार चक्र बंद की होनी चाहिए वो उसको इन्वोक कर देता है। मेरा पॉइंट समझा पाया? अभी तक मैंने जितने भी जी। एस्पेक्ट्स को बोला उस एस्पेक्ट के लिए एक जो है वो डिजीज स्ट्रक्चर सफिशिएंट है। अब मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था, एक सेकंड, डालते हैं, गया था। हाँ, इसमें डालते होगी। अरे, मुझे बैग दे दे, चला दो। ये देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप करा है।
आ गया डॉक्टर साहब। अब यहां पर मैंने जो आपको डिटेल शेयर करी है, ये हमारा पूरा एक तरीके का एमबीबीएस का सिलेबस है, जिसमें कि जो बीमारी है और उस बीमारी के अंदर सब हेडिंग्स में कौन कौन सी बीमारी आती है, उस बीमारी की डोमेन को इस बात से कनेक्ट करना है कि ये मेरा एक चक्रा रिलेटेड चैलेंज है या मल्टीपल चक्रा रिलेटेड चैलेंज है। तो हम डिजीज स्पेक्ट्रम को ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा, अगर हमने मिनिमम कौन कौन से एस्पेक्ट को, जैसे वो शुक्ला जी बोले ना कि वो सिर्फ एक ही तीर चलाते थे और वो बीमारी एकदम जड़ से ठीक हो जाती थी, वो उस एक को टारगेट करके वो करते थे, उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आपको पहले डिजीज स्पेक्ट्रम का बेस पता हो कि कौन से एक चक्र पे टारगेट करके आपने जो है वो फायर करा, ताकि वो एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, इस इंटेलिजेंट डिजाइन की वजह से ये पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। तो किसी एक चीज को लक्ष्य करके जब उसको हम रिजॉल्व करेंगे, हमारे पूरी प्रक्रिया में सॉल्यूशन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? समझिए हाँ डॉक्टर सर, साहब। समझ गया। रेमेडी के लिए मैंने तमक्षिणी बीज मंत्र के तौर पर डिफाइन कर दिया कि अभी तक हमने जो चार चक्रा पांच चक्रा चार चक्रा कनेक्ट करें, उन चार चक्रा को मैं इस तरह से डिफाइन कर लेता हूं। जैसे ही मेरा पांचवा चक्रा शुरू होता है, मेरे पांचवे चक्र में जो मेरा बीज मंत्र बनता है, लक्ष्मी त लक्ष्मी। लक्ष्मी अब त लक्ष्मी जो है वो मैं म में भी लगा सकता हूं, श में भी लगा सकता हूं, श में भी लगा सकता हूँ, त में भी लगा सकता हूँ। तो ये मेरे चार चक्र हो गए और पांचवा ल। तो मेरी कॉजल बॉडी के हर चक्र में मैं इसको लगाकर अपने भीतर का कॉजल बॉडी का करेक्शन कर लूंगा। ये इसका बेस हो गया काम को करने के हिसाब से। ठीक है सर? तो जब आप ये जो मैंने अभी इमेजेस शेयर करी हैं सिलेबस वाइज, इसको जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपको डिजीज स्पेक्ट्रम ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। बीमारी को अटेम्प्ट करते ही उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, उस पार्ट को हम एड्रेस करेंगे, और एड्रेस करके किसी भी पेशेंट के तौर पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई, इस पेशेंट पे मैंने ये डाला तो क्या ये रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। मजा आ गया। तो ठीक ठीक है जी, है जी, कहते कहते हैं ना सर कि हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हमें तो डंडा दे देना ना तो 100 लोगों पे बारी। ये तो AK-47 है। ये बहुत जबरदस्त काम करता है, ये बहुत जबरदस्त। मैंने जब जब जहां बहुत जहां भी इसको जबरदस्त काम लगाकर करता है। देखा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। देखिए, उद्देश्य ये है, मैंने एक डेट डिफाइन कर रखी है 31 दिसंबर 2025 कि तब तक मुझे मेरे देश को डायबिटीज फ्री करना है। उसके लिए मैं अकेला सफिशिएंट हूं, मुझे इसके नहीं, पर मैं सब जगह उस बात को जब तक करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक आयुर्वेद का सम्मान नहीं होगा। तो जितनी भी जगह जो कम्युनिटी बनती जाएगी, वो सब भी मेरी तरह, मान लो किसी ने मेरे को ही हटा दिया 31 दिसंबर से पहले, तो बहुत सारे लोग तब तक मैं क्रिएट कर दूंगा, हजारों हजार लोग जो है वो प्रक्रिया में जागृत हो जाएंगे। तो प्रक्रिया तो अपने आप ही फैल जाएगी, कौन उसे फिर रोक सकता है भाई। चैन रिएक्शन हो जाएगी। उस दिन जब मैं वो कर रहे थे, जूम कॉल कर रहे थे, तो वो जो चंद्रशेखर जी हैं, वो क्या बोले थे कि बोले अकेले रमेश जी 300-300 लोगों के सेशंस करते हैं, एक बार में तो इनका हिसाब ही डिफरेंट है। बोले हम तो इसीलिए इंटरेस्टेड हुए कि ये इतने बड़े बड़े सेशन करते हैं, ये किससे सेशन लेने चले गए। तो ऐसा हो क्या रहा है, बोले इतनी क्यूरियोसिटी बन गई। तो मैंने यही रियलाइज करा कि कल को जो है, मान लो मैं अपने में ही लगा रहा और किसी ने मेरा ही बटन ऑफ कर दिया, अब नहीं इससे क्या फर्क सर, पड़ेगा, सारी दुनिया में इतने सारे लोग 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे,
कि अपने आप बीमारी के आने से पहले लोग उसे सॉल्व कर देंगे। मैंने जो कुछ जाना वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है जी। चलिए बाकी के चक्रास कल करेंगे।